hey everyone welcome back to my channel crafty news so guys today's video is going to be different from the previous videos as i am going to share a tutorial of making lord buddha painting on a canvas it's just for the beginners but the most important thing is that we are going to make the canvas at home and without any cost the video but before that do like share and subscribe to my channel hit the bell icon as you will get the notifications of my upcoming videos सोलेस्टार्ट मेकिंग आवर ओन कैनवास फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड द कार्डबोर्ड पीस एज पर द साइज़ यू रिक्वायर फॉर पेंटिंग इसको कवर करने के लिए आई एम टेकिंग दिस शॉपिंग बैग इस तरह के शॉपिंग बैग हमारे घर पर आराम से मिल जाते हैं आई एम टेकिंग द वाइट वन यू कैन यूज़ एनी लाइट कलर बैग फॉर दिस क्राफ्ट आप लाइट प्रिंटेड बैग भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर मैंने फेविकोल की बॉटल में हल्का सा वाटर डालकर उसे वाटरी कर लिया है वाटर डालने का पर्पज़ ये है सो दैट आई कैन स्प्रेड द ग्लू प्रॉपरली जिससे कि फेब्रिक ईजिली उस पर पेस्ट हो जाएगा यू विल पेस्ट इट प्रॉपरली फ्रॉम द फ्रंट एज वेल एज एट द बैक साइड इस तरह से मैंने दो कैनवास रेडी किए एक ही बैग से एंड वो भी विदाउट एनी कॉस्ट टू प्रिपेयर द बेस आई एम यूजिंग जैसो हीयर इफ़ यू डो नॉट हैव जैसो इफ यू डो नॉट हैव जैसो यू कैन यूज़ सिंपली वाइट एक्रैलिक कलर अगर आपकी पेंटिंग डार्क कलर की है देन यू कैन यूज ब्लैक एक्रेलिक कलर इस कैनवस के लिए मैंने वाइट जैसो का यूज़ किया है तो चलिए अब शुरू करते हैं पेंटिंग को यहाँ पर मैंने एक पेंटिंग पिंटर्स से निकाली है और उसको मैं यहाँ पे पेंसिल की हेल्प से ड्रॉ कर रही हूँ अगर आप चाहें तो पहले पेपर पर ड्रॉ कर लें और देन कार्बन पेपर की हेल्प से पेंटिंग को ट्रेस कर लें यू कैन फाइंड अदर पेंटिंग्स ऑन प्रिंट्रस्ट अब हमारी पेंटिंग ड्रॉ हो चुकी है मैंने यहाँ पर ब्लैक वाइट और ब्लू कलर को मिक्स करके ये कलर बनाया है अगर आपको लाइट कलर बनाना है देन यू विल मिक्स मोर वाइट कलर एंड फॉर द डार्कर शेड यू विल यूज़ अ टेंट ऑफ ब्लैक शेड इट्स रियली सिंपल टू कलर इट आई एम यूजिंग डिफरेंट ब्रशेज फॉर लाइट एंड डार्क शेड्स एंड ब्लैंडिंग दैम टूगेदर हमें डार्क कलर को एकदम से नहीं लगाना है बल्कि स्लाइटली आई एम गोइंग टू गिव इट डार्कर शेड स्टेप बाय स्टेप सेम प्रोसेस इज अबाउट लाइटर शेड एज वेल इस तरह से पूरी फिगर के कलर करने के बाद आई एम अप्लाइंग द डार्कर और द ब्लैक शेड हेयर ऑन द अदर साइड फर्स्ट आई ट्राई टू पेंट द लीव्स द कलर आई यूज आर येलो एंड द सेप ग्रीन एंड हेयर अगेन आई एम यूजिंग सेपरेट ब्रशेज फॉर सेपरेट कलर्स एंड ब्लैंडिंग द टूगेदर बट दिस प्रोसेस वॉज नॉट राइट देन आई पेंटेड ब्लैक कलर on the rest of the canvas. And then again I painted the leaves. Black paint is still wet, so let it dry completely till then we will complete the rest of the painting. Now I have taken molded clay. This is the patla hai and we need to make the small rolls like this and paste them with the help of fevicol on the head area. Keep one thing in mind that the both parts of the clay should be mixed properly, otherwise, it will break while making rolls. We need to cover the whole head area with these small rolls. This part of the painting is done, and our black paint is also dried. As you can see, it is quite easy to paint the leaves on the background. The process of this painting is just amazing, and I am enjoying it thoroughly. On this side also I am creating leaves. I am painting the head area with the black bluish color. Now I am taking white color on the finger to highlight the clay part. complete the leaves by drawing the beans onto them our beautiful painting is ready this painting is quite easy and can be painted easily by beginners so guys this tutorial aapko kaisa laga mujhe comment karke batayega i really enjoyed the whole process and amazing is the outcome as you all can see so, guys, I will see you in the next video with more amazing crafts, DIYs, and ideas. Till then, better take care of your health, stay home, stay safe, be crafty, and bye bye.